हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर और स्टाइल योर स्पेस विद रुचि के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आई एम श्योर टाइटल से देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना लिविंग कम डाइनिंग जो रूम है या ये जो हॉल है उसका टूर। तो बेसिकली इस वाले जो लिविंग रूम है इसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जितना मैंने बेडरूम एंड जो सेकंड बेडरूम है इन दो रूम्स मैंने थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, इसमें मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। अभी जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, दिस इज द डाइनिंग एरिया और ये वाला जो कर्टन लगा हुआ है ये हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ जाता है, जिसका टूर आई एम श्योर आप ऑब्वियसली देख चुके होंगे। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा एंड अदरवाइज मेरे चैनल पे जाकर के आप स्टाइल योर स्पेस विद रुचि का जो प्लेलिस्ट है वो ओपन कर सकते हैं, उसमें मेरे सारे जितने भी पुराने मेकओवर्स हैं वो सभी आप देख पाएंगे। बट ये बेडरूम जरूर चेक करिएगा अगर आपने नहीं अभी तक चेक किया है तो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू डिस्क्लेमर्स। तो इससे पहले हम लोग मुंबई में रहते थे एंड 2 मंथ्स बैक ही हम लोग भोपाल मूव हुए हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे। जब तक अभी ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब तक दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू यू नो लिव विद योर पेरेंट्स एज वेल। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। बिकॉज जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ करी हैं मोस्टली मेरे पास पहले से ही थी, कुछ चीज़ें मैंने अपने कोलेबोरेशन में के थ्रू मंगवा लिया है, बाकी कुछ नए चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है मैंने। तो इस बार मैं थोड़े कलरफुल थीम पे गई हूँ बिकॉज फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट आ ही गया है, सो आई वॉन्ट थोड़ा यू नो कलर कॉम्बिनेशन। एंड उसका एक दूसरा रीज़न ये भी है बिकॉज द स्पेस इज टू बिग, ये जो हॉल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास जो सामान है वो सब कॉम्पैक्ट वाला सामान है, तो उस स्पेस को थोड़ा फुलफिल करने के लिए, क्योंकि फर्नीचर तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं लेकिन जो उस स्पेस को फुलफिल करने के लिए थोड़ा मैंने कलर्स यूज करें ताकि वो एकदम ऐसे खाली खाली सा ना लगे। एंड फेस्टिव भी आने वाला है सो आई थॉट कि कलर्स यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा इस बार कलर कॉम्बिनेशन बोल्ड रखा हुआ है। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइस, सो दिस इज़ द हॉल, ये काफ़ी बड़े साइज़ में एक अच्छा खासा बड़ा साइज़ है इसका हॉल का। सो दिस इज़ अ लिविंग कम डाइनिंग एरिया आप इसको बोल सकते हैं। तो ये है सामने जो आप डोर देख रहे हैं दैट इज़ द मेन डोर, और उसके बाहर का जो आपको एक और डोर दिख रहा है वो भी मेन डोर ही है एंड ये दूसरे इसके ऑपोजिट साइड का एरिया है। और इसके बाद में मैं क्लिपिंग्स डाल दूंगी कि इस वाइट कलर के पहले ये कौन से कलर में था, तो ये इस तरीके के कलर में है। बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट यहाँ पर आती है, बाकी थोड़ा आर्टिफिशियल लाइट से ही मुझे करना पड़ेगा लाइट। बट हाँ, इस रूम में काफ़ी फिर भी नेचुरल लाइट कंपैरेटिवली बाकी रूम से अच्छी खासी आती है। नाउ दिस इज द मेन डोर, यहाँ पर मैंने बिल्कुल नेट के जो शियर कर्टन होते हैं लगा करके रखे हैं दो। सो एक्चुअली ये एक नहीं लगाया है बिकॉज अगर मैं एक लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सी थ्रू हो जाता है, दो लगाती हूँ तो मैंने बाहर खुद खड़े होकर के देखा है कि रात में दिखता है कि नहीं दिखता है, तो अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत लाइट शेडोज दिखती हैं अदरवाइज और कुछ भी नहीं दिखता है। सो आई थिंक दिस इज द गुड ऑप्शन और मुझे थोड़ा लाइट कर्टन लगाने थे। बाद आते हैं, ये हमारी टी वी यूनिट है, वही टी वी यूनिट है जो आप पिछले 2.5-3 साल से देख रहे हैं। सो टी वी यूनिट है, उसके ऊपर दो मैंने यहाँ पर इस तरह से ट्रेज रखा है और उस ट्रे में साइड में भी अगेन मैंने सेम ही चीज किया है, वही ट्रे एंड लैम्प एंड यू नो सिंपल सा, और टीवी के आसपास ऐसे छोटे छोटे से, ये मैं कहाँ से लेकर के आई थी मुझे याद नहीं है, आई थिंक होम टाउन या होम सेंटर में से किसी जगह के हैं, तो ऐसे दो हैं मेरे पास, ये मैंने छोटे छोटे यहाँ पर रख दिए हैं। मैंने बहुत कम रियल प्लांट्स यूज़ करें, अदरवाइज मेरा घर रियल प्लांट से भरा रहता है, बट आई हैव यूज लॉट ऑफ फेक प्लांट्स दिस टाइम। रीज़न उसका ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया सनलाइट नहीं आती है, आजू बाजू हर जगह ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स घर बने हुए हैं तो नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आती, ऊपर फ्लोर पे आती है, वेंटिलेटेड काफ़ी अच्छा है। बट वो फेक प्लांट्स मैंने परचेस कुछ भी नहीं करे, ये सब मेरे पास पहले से ही थे, उन्हीं को मैंने रीयूज कर लिया वॉश कर करके। टीवी यूनिट के साइड में आता है ये मेन सोफा एंड इस पे मैंने जो कुशन कवर्स यूज करे हैं काफ़ी कलरफुल कुशन कवर्स यूज करे हैं, तो आप ये जो कुशन कवर्स देख रहे हैं ये वाला और वो वाला, ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर है उनकी वेबसाइट भी है तो मैं उनके लिंक्स डिटेल सारे डाल दूंगी, उन्होंने मुझे सेट ऑफ 5 कुशन कवर्स भेजे थे जिसमें से दो मैंने अभी यूज करे, आई थिंक 3 मैंने अभी यूज करे हैं और दो उन्होंने थ्रो भेजा था सोफा थ्रो, तो वो सोफा थ्रो मैंने अलग अलग जगहों पर यूज कर लिया है
तीन कुशन कवर्स यूज कर लिए, बट दो कुशन कवर्स अभी रखे हुए हैं, वो किसी नेक्स्ट थीम में मैं कर लूंगी कवर। तो ये थोड़े कलरफुल से कुशन कवर्स हमने रखे हुए हैं। ये कुशन कवर्स जो है ये बाकी मेरे पुराने कुशन कवर्स हैं। नाउ कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे जो सीलिंग हाइट है वो भी बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो मुझे इस वॉल पे थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा दिखने वाले कुछ वॉल आर्ट्स यूज करने थे। सो मैंने ये जो बेडरूम में लास्ट मेकओवर में बेडरूम में यूज किया था वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, एंड आई थिंक ये यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये मुझे विश्वा ने भेजा था, विश्वा नारवाल का पेज है, इंस्टाग्राम पेज, शी इज अ वेरी गुड मैक्रम आर्टिस्ट, और मैंने ये लास्ट टाइम अपने बेडरूम में यूज किया था, एंड अभी ये थीम मैंने यहाँ पर अपने लिविंग रूम में यूज कर लिया है। जो वॉल आर्ट है इसके आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों वॉल लैंप यूज किया हुआ है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, इस एक और सोफा रखा है, तो ये मुझे सोफा भेजा था सेवन हेवन वालों ने। दिस इज अगेन सोफा कम बेड, ये भी सोफा कम बेड है बट ये डबल बेड है, एंड दिस इज सिंगल बेड बट ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें जो कुशन कवर्स यूज करे हैं ये पुराना कुशन कवर है जो कि मैंने वेस्ट साइड से लिया था ये, और ये जो कुशन कवर है ये मैंने मिंत्रा से आई थिंक मंगवाए थे, मिंत्रा से लिया था, एंड ये वाला जो होम वाला कुशन कवर है बहुत ही प्यारी क्वालिटी में है, कॉटन का है, एंड ये मुझे अगेन वही इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा था जिन्होंने मुझे ये ऑरेंज वाले जो कुशन कवर्स भेजे थे वो, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी में है, फिर इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। जो सोफे पे मैंने थ्रो यूज करे हैं ये मेरे पुराने थ्रो ही चल रहे हैं, वही मैंने यूज किया हुआ है, एंड उसके साइड में उसके पीछे एक प्लांटर रखा है जो कि फेक पाम ट्री है। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का जो डाइनिंग एरिया है वो, सो जस्ट टू क्रिएट एन इल्यूशन कि ये अलग है, ये अलग स्पेस है, मैंने यहाँ पर एक यूनिट है वो रख दिया है, एंड उसके आगे प्लांट रख दिया है सो दैट एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। नाउ आते हैं ये मेन डोर के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर हम लोगों ने हमारी शू रैक रख के रखा हुआ है, इसके ऊपर एक यूटिलिटी ट्रे है जिसमें सैनिटाइजर्स और मास्क वास्क की सारी बेसिक सी चीजें हैं। दिस इज आर मेमोरी वॉल, सेम मेमोरी वॉल बनाई है जैसे मैंने पहले बनाई थी बट थोड़े पिक्चर्स बस ऐड कर दिए हैं। के बाद इस वॉल के जो आप साइड में ये कर्टन देख रहे हैं, दिस इज द सेकेंड बेडरूम जिसमें अभी विकी काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आप इसके यहाँ साइड में आते हैं तो ये एक सिंक एरिया है, जो पीछे वाली टाइल्स है उसका कलर बहुत अलग था, मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगाया है इस टाइल्स पे। ये हम लोगों का सोप डिस्पेंसर है और एक मैक्रेम का अगेन मैंने मिरर लगा दिया है जस्ट टू मैच द सिमेट्री ताकि ये एक जैसा लगे, इसलिए मैंने कुछ और मिरर लगा के ये वाला मिरर लगाया है। इधर आता है एक और कॉमन वॉशरूम, एंड इसको हम लोग एज ए यूटिलिटी वॉशरूम की तरह हमने यूज कर रखा है। बाद यहाँ पर साइड में आता है बेडरूम, दिस इज द बेडरूम और उसका ये मेन वो है। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो यूनिट हमने यहाँ पर रख दी है, मैंने बताया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, एंड उसके साइड में आते हैं तो ये हम लोगों ने जो हमारा DIY वाटर फाउंटेन है वो रख के रखा हुआ है। उसके साइड में हम लोगों ने ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ना, ये यूनिट आपको पता ही होगा मैंने L बना करके रखा था सोफे के लिए, तो एक्चुअली इसको यहाँ पे रखने का कोई सेंस नहीं बनता है बट इसको रखने की कोई और जगह भी नहीं थी और ये बहुत खाली खाली लग रहा था इसलिए भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो अच्छा लग रहा है। मैं मेरे सारे कुशन कवर्स कर्टेंस और ये सारी चीजें स्टोर करके रखती हूँ, दिस इज अ स्टोरेज यूनिट एज वेल। तो ये जो थ्रो है अगेन मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजा था जिन्होंने मुझे कुशन कवर्स भी भेजे थे, वेरी गुड क्वालिटी थ्रो, मतलब इतना अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। तो ये है वो थ्रो। दिस वॉल, यहाँ पर ये तीनों मेरी ट्रेस थे, जिस तरह की ट्रे आप वहां पर देख रहे हैं ये वैसी ही ट्रे थी जिसपे मैंने DIY करके उसके ऊपर ये हम लोगों ने अगेन वॉल लैम्प लगाया हुआ है सो दैट इट गिव्स नाइस लाइट टू दिस एरिया। उसके बाद ये हम लोगों का डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, सो दीज आर द चेयर कवर्स, थोड़ा न्यू लुक देना था तो इसलिए मैंने ये चेयर कवर्स ऐड कर दिए हैं और ये काफी अच्छे भी लग रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लोर लैम्प जो है उसको ऐड कर लिया है। नाउ इसके साइड में, क्योंकि मैंने बताया ना ये वॉल काफी ज्यादा थोड़ी बड़ी वॉल थी, तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं तो ये हम लोगों ने शेल्फ लगा के रखी हुई है, दिस इज अ वॉल शेल्फ, एंड यहाँ पर अगेन वही जैसे पुराने घर में था सेम वैसे ही किया हुआ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे दोनों सिमिलर टाइप ऑफ प्लांटर्स हैं वो मैंने ऐड कर दिया है, सो दिस इज द लुक ऑफ दिस कॉर्नर।
that's it for my video. And yes, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.